जयकारा शेरावाली दा बोल सांझे दरबार के जय ओ श्री गणेशाय नमः ओ वक्रतुंड श्लोकी दुर्गा शिववाच देवी संबद्ध सुलभ सर्व कार्य विधायने करोहि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्ततः देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेश साधनम् मया तमेव सेहेनाभ्यम्बासुते प्रकाशते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषेः अनष्टम छन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः नाम विजयतांसि देवे भगवते सा बलादकृशमोहाय महामाया प्रयच्छते दुर्गे स्मिता हर्षिभेदमशयन्तो स्वस्ते स्मितामतिमेव शुभां ददासि दारिद्रदुःखवहारणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्य शिव सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याद्यरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वयव्यसायिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते रोगानशेषान्न महाजदश्च दृष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां श्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मभि विनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गास्तोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि षडश्वकमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ सवति साध्वी भव प्रीता भवानि भवाचलि आया दुर्गा जया चात्या त्रिनेत्रा शूलधारणि पिनाकधारणि चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिता चितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपणि अनन्ताभावणि भव्या 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 सदागतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती
భటామరమరీధారాకలమంజనరంజని అమేయ విక్రమాగ్రోర సుందరే సురసుందరి వనదుర్గాజమాదంగే మదంగ మునిపూజిత నామే మాహేశ్వరీ చందే కౌమారే వైష్ణవే తథా చాముండా చైవ వారాహీ లక్ష్మీ చ పురుషాకృతే విమలోదర్శనే జ్ఞానక్రియా నిత్యాచ బుద్ధిరా బహుళా బహుళ ప్రేమ సర్వవాహన వాహన నిశంభ శంభహనని మహిషాసురమర్దని మధుకైటవహంత్రీ చండమండా వినాశని సర్వాసురవినాశా చర్వదానవఘాతని సర్వశాస్త్రమయీ సత్యా సర్వాస్త్రధారణీ తథా అనేక శాస్త్రహస్తా చ అనేకాస్త్రస్య ధారణి కుమారీ చైకన్యా చ కైశోరే యువతేయతే అప్రౌఢా చైవ ప్రౌఢా చ వృద్ధమాదా బలప్రదా మహోదరీ ముక్తకేశే ఘోరరూపా మహాబలా అగ్నిజ్వాలారోగ్రముఖే కాళరాత్రే తపస్విని నారాయణే భద్రకాళే విష్ణుమాయా జలాధరి శివదూతే కరాళే చ అనంగా పరమేశ్వరీ కాత్యాయనీ చ సావిత్రీ ప్రత్యక్షా బ్రహ్మవాదని వ్యాయుధం ప్రహడే నిత్యం దుర్గా నామ శతాష్టకం నాసాధ్యం విద్యతే దేవే త్రిషు లోకేషు పార్వతీ ధనం ధాన్యం సదం జాయాం హయం హస్తినమేవ చతుర్వర్గం తథా చాంతే లవే ముక్తిం చ శాశ్వతి కుమారీ మూఢేత్వాదో ధ్యాత్వా దేవీం సరేశ్వరీ పూజయత్వరయా భక్త్యా పఠే నామ శతాశ్చకం అసవిద్ధిర్మవే దేవే సర్వై సురపరేరపి రాజానోదాసతాం జాంతి రాజ్యశ్రియమవా పుణ్యా గోలోచనాలక్షణ జిందోరకర్పూరమధుత్రేణ విలక్షణ విదినా విదిక్యో భవేశ్వరాధారతే పురారి ఓమావాసామగ్రే చంద్రశతమిషాంగే విలక్ష్య ప్రవడ స్వత్రం సవే సంవరా పదా इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याह कवचम ॐ अजर्षे दण्डे कवचस्य ब्रह्मर्षे अनुष्टवशन्दः चामुण्डा देवता अङ्गण्यासोत्तमादरमेजम् जगवन्तदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रेतसे सप्तशरे पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यदुयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्य चिराख्यातं कर्णे लोहे पितामहः ब्रह्म उवाच अस्ति वयसां व्यत्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासो कवचं गण्यं दशरश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे
तृतीयं चन्द्रकण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं शङ्खपादेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चष्टमम् नवमं सिद्धिरात्रि च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयाता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चिदशुभं सङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येतु भक्त्या सुदारोणं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां सनन्ति देवेशे लक्षसे तान् संशयः वेदसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना केन्द्रीकरसमारूढा वैष्णवी गरुडासना मारेश्वरी विशारूढा कौमारी शिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषभाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नित्यदामाधरा सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाड्या नानारत्नोपशोभिता दश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मधुरायुधम् केतकं तामरं चैव परशुं भाषमेव च कुण्टायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामयाय च धारयन्तायुधानि तं देवानां च हिताय वै नमस्ते तो महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने प्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष शत्रूणामयवर्धने प्राचां रक्ष मामेन्द्रे अभिनयामग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराहि नैरित्यां खड्गधारणि प्रदे चामारुणे नक्ष वायव्या मृगवाहिणि भुजे चां मधुकौमारे एषानां चोलधारणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताद् वैष्णवे तथा एवं दशयो रक्ष चामुण्डा शमवाहना जयामि चाग्रता पातु विजया पातु मेष्टतः अजिता वाम पाशयतु दक्षिणे चापराजिता श्रीकामद्योतने रक्ष उमामूर्ते व्यवस्थिता महाराजने ललाटे च प्रभो रक्ष सस्वनि त्रिनेत्रा च प्रभोर्मध्ये जमघण्टा जनासिके शङ्खणे चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयो द्वारवासने कपोलोकालिका रक्ष कर्णमूलदोषाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चक्षिका अधरे चां मृगरा जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षसकौमारे कण्ठरे च दुचण्डिका घण्टिकां यत्र घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे च मुखं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां मध्यकाली च पृष्ठवंशे धनुनलि नीलमे मामहे कण्ठ नलिकां नलकोबले स्कन्दयो खड्गने रक्ष बाहो मे वज्रधारणि हस्यो दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाशूलेश्वरे रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरे कणो रक्ष महादेवे मलाशोकविनाशने हृदय ललिता देवे उदरे शूलधारणे कामो च कामने रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरे तथा कोटना कामिकामेढ्रं गुहे महिषवाहिनि कट्यां भगवती रक्ष जानने विन्द्यवासने जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनि गुल्फयो नारसिंहे च पादभृषदुतेजसे पादाङ्गुलेशे रक्ष पादाभक्तलवासने नगाद्रष्टाकराले च केशां जयभद्रकेशने
रोमकोपेषु कोपेषु त्वयं भाग्येश्वरे तथा रक्तमच्चावसामासान्यस्थिमेधान्ति पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च भुवनेश्वरि परमापरि परमकोशे कवे चूडामणे तदा ज्वालामुखेन ज्वालामवेद्या सर्वसन्दशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां छत्रेश्वरे तथा अहङ्कारं मनोमुद्रं रक्ष मे धर्मधारणे प्राणापानं तथा व्याणम् उदाणं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभन रसे रूपे च गन्धे च शब्दे च शयजोगणे सत्त्वमयस्तमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आयुः रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुर्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्ष महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवे पण्डानां देवता रक्ष मार्गं च मकरे तथा रायद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिरा रक्षाहीणं द्वयासानवर्जितं कवचेनतो तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ति पापनाशने पदमेकं न रक्षतु जयच्छयजुममात्मनः कवचेनाभृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभ च विजयासार्वगामिकः गव्यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्या सङ्ग्रामेश पराजितः हे लोके भवेद्भोजः कवचेनावृतः पुमान् इदं दूतेभ्यः कवचं देवानामवदुर्लभम् व्यापटे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं शब्द्यान्वितः देवी कलामवेत्तौ च त्रैलोक्ये शमराजितः जीवे वर्षतं साग्रम् अवमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्यादया सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि जल्मिषम् अविनाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले गोचरा केचरा चैव जलजा चोपदेशिका सर्गाकुलजा माला डाकणे शाकणे तथा अन्तरिक्षा जरा घोर डाकिर्नश्च महाबला ग्रहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचे विधि संस्थिते मानानिर्वभैराज्ञस्तेजो वृद्धिकरं वरम् यशुदा वर्तते स्वामे कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तजलिं चण्डिं कृत्वा लोकवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् तावदेशति मे दिन्यां सन्तते पुत्रपोत्रके देहान्ते परमं तारं गसुरेरमिदुर्लभम् प्राप्नो मे वृषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ अथार्गलस्तोत्रम् ॐ अद्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषे अनष्टम छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गाक्षमा शिवा दात्रे स्वाहा सुदा नमास्तुते जय त्वं देव चामुण्डे जय भूतातिहारणे जय सर्वगदे देवे कालरात्रे नमास्तुते
मधुकेण विद्या विदाते वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि रक्तबीजमदे देवे जण्डमुण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि शुम्भस्य वनशुम्भस्य धूम्राक्षस्य जमर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि बाधिताङ्गे युगे देवे सर्वसौभाग्यदायने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि अचिन्तरूपजयद सर्वशत्रुविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि न देव्या सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि सुभद्रो भक्ति पूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि चण्डिके सततं व्यतां आचरन्तेह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि विदेहि विषरामनाशं विदेहि बलमत्यके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमांशयं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि सुलाशुलशिरोरत्ननिग्रहचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि प्रचण्डदैत्यवर्णे चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि चतुर्भुज चतुर्वत्र संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि कृष्णेण संसुते देवे शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि हिमाचल सुतानाथ संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि इन्द्राणी परिसर्वाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यगर्भविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि देवी भक्तनादाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि पवने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारणे कारणे दुर्गसंसार सागरश्च कुलोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठन् साधो सप्तशति सङ्ख्या परमा पुरोति सम्पदा अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डवाच ॐ विरुद्धज्ञानदेहाय दिवेदि दिव्यचक्षुषे जयाप्राप्तिमित्ताय नमः सोमाधारिणे सर्वमेतद्यानीयान्मन्त्राणामविकीलकम् सोऽभिक्षेममाप्नोति सततं जाप्यतत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुवदा देवे स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रोणौषधं तत्र नान्यच्च विद्यते
हिनाजाप्येन चेत्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्रान् विसिध्यन्ति लोकशङ्कामिमामरा कृत्वा निमन्त्रयामासं सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वैचण्डिकायासो रजगुप्तं चकारसः समाप्तेर्न च पुण्यश्च ताव्यथावैनियन्त्रणा शोभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहिता गदादेवदिशीर्णादे नान्यथेषा प्रसीदति इत्थरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्किनामिधायेन नित्यं जगदीशं गुणम् अवचित्ता सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाभ्यस्तस्य भयं वापीह जायते नावमृत्युवशं जाते कृतो मोक्षमाप्या ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्यैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य देवदेहि सौभाग्यातिजगत्केन च दृश्यते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शुभम् क्षणे तु जाप्यमाणेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्प्रतिरोचके भवत्येव समग्रापि तदा प्रारब्धमेव तत् ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य सम्पदः सत्वहाने परामाक्षः श्रूयते सान किं जने ओ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र मल दंग विनाद मोह करे करे मगरे
Kamala nilaya, Kamala nilaya, Kamala nilaya, Kamala nilaya.
सकलं ननु प्रोदयते प्रेम गुरु गवरेन्दु मुखे तुमपि बिरदो विमुखे क्रियते मनो मदं जिवटामगणे भवति कृपया किमत क्रियते जय जय हरि चातुर्मन अभी अंतिम पृष्ठ से पहले क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि माया गाथोऽयमिति श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय गणनाद करेंगे। एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए हे माँ इन पदम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ। हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो। ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओम का रखे गणनाद कीजिएगा। ओ
ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगीजन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सचिया ज्योता वाली जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा रुष्टा दुकामान सगलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता जाशयतां प्रयान्ति। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। विद्या सुशास्त्रेषु वेग दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु कात्वदन्या ममत्त गर्तेति महान्धकारे बिभ्रमते तदति विश्वम्। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी घड़े में निरंतर भटका रही हो। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जिस प्रकार आप सभी भक्तजन श्रावण के महीने में शंकर भगवान जी की सोमवार को पूजा करते हैं, इसी प्रकार मंगलवार को श्रावण के जितने मंगलवार हैं उसमें मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। श्रावण में जितने भी मंगलवार आते हैं उन सभी में इस व्रत को किया जाता है। जाओ स्त्री विवाह के पश्चात आप जो पहले वर्ष अपने पीहर में इस व्रत को करे और बाकी जो चार वर्ष हैं वो अपने ससुराल में करे। प्रातःकाल ऐसा विधान बताया गया है कि स्नानोपरांत पूर्वाभिमुख बैठ करके संकल्प ले कि मम पुत्र पौत्र सौभाग्य विद्यर्थम पंच वर्ष पर्यंतम मंगलागौरी वदम हम कृष्य। इस प्रकार वो संकल्प ले और एक चौकी पर मंगलागौरी माता जी की मूर्ति स्थापित करके ओम मंगलागौरी नमः इसके द्वारा उनको स्नान कराए, गणपति महाराज जी का पूजन करे साथ में और स्वस्ति वाचन पूर्वक विधि पूर्वक मंगला गौरी माता जी की पूजा करें। इसमें 16 वस्तुओं का विधान है, अर्थात 16 ही पुष्प चढ़ाए, 16 ही मालाएं, 16 ही भोग के लिए लड्डू, 16 दूर्वा, 16 प्रकार के अनाज और इसमें 16 इलायची सुपारी इत्यादि सब जो भोग लगाए और फूल इत्यादि अर्पण करें, दूर्वा इत्यादि अर्पण करें और फिर एक बांस की टोकरी में 16 लड्डू रख करके वस्त्र रख करके जो प्रातः जो पूजा के पश्चात ब्राह्मण को दान दे, स्वयं अपनी सासू माता जी को भी वस्त्र लड्डू 16 रख करके उसमें द्रव्य रख करके उनके चरणों में प्रणाम करके उनको दे। इससे जो बहनों की माताओं की सौभाग्यवती स्त्रियों की सौभाग्य की वृद्धि होती है, पति की दीर्घायु होती है। इस कथा रूप में बताया गया है कि कुंडन
नाम नगर में एक धर्मपाल नाम के सेठ थे। पति बड़ी सादी थी, धर्मपरायणा, परंतु उनके संतान नहीं थी, इसलिए वो नित प्रति दुखी रहा करते थे। और उनके घर एक जटाजूटधारी भिक्षुक आया करते थे। एक दिन सेठाड़ी ने सोचा कि क्यों ना मैं इनको इनकी झोली में थोड़ा सोना डाल दूं, द्रव्य डाल दूं, जिससे प्रसन्न होकर हमको पुत्र का वरदान दे। और उसने एक दिन ऐसा ही किया, उनकी झोली में जो थोड़ा सोना डाल दिया, परंतु वो अवरिग्रही थे, उनमें दान लेने की वृत्ति नहीं थी, उल्टा वो क्रोधित हो गए और उनको जो संतानहीनता का श्राप दे दिया। परंतु थे दोनों दंप जो पति पत्नी बड़े धार्मिक वृत्ति के, मंगलागौरी का व्रत करते थे। तब गणेश के आशीर्वाद से, मंगलागौरी के आशीर्वाद से उनके पुत्र हुआ, परंतु उसको ये श्राप मिला कि 16 वर्ष के पश्चात जो है उसको सर्पदंश करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु जिस कन्या से उस पुत्र का विवाह हुआ उसकी माता ने मंगलागौरी का व्रत किया था और उसके प्रभाव से वो स्त्री विधवा नहीं हो सकती थी, अर्थात उसे मंगलागौरी के व्रत से जो शतायु 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई और उसका वैधव्य दूर होता रहा। फिर 5 वर्ष के पश्चात 4 वर्ष इसका व्रत करें सौभाग्यवती स्त्री, और 5वें वर्ष में किसी भी मंगलवार को इसका उद्यापन करें, सर्वोवर्धन मंडल बनाएं, उसमें कलश की स्थापना करें और उस पर मंगलागौरी माता जी की मूर्ति स्थापित करें स्वर्ण की अथवा चांदी की शक्ति अनुसार, और फिर उसका षोडशोपचार द्वारा पूजन करें। ओम मंगलागौरी नमः पूजन करके सासू जी को पुनः जो उद्यापन के समय भी जो टोकरी में जो 16 प्रकार के लड्डू, वस्त्र, आभूषण, जो भी यथा सामर्थ्य उसमें थोड़ा दब रख करके उनके चरणों में गिर कर प्रणाम करें और उनको दें। 16 ब्राह्मणों को ही जो सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ भोजन कराएं, वो तत्पश्चात स्वयं भोजन करें, ब्राह्मण इत्यादि को दान दें, इससे जो सौभाग्यवती स्त्रियों की जो सौभाग्य की वृद्धि होती है। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिन कारुणी के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महान सरस्वती जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये तीनों महाशक्तियां आदि काल से संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप में केवल यही विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्तियां जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप, और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान करवाती परिक्रमा करती जा रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं, और इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकधा प्रहलाद जी और साथ में माला जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। जिस प्रकार आप चतुर्भुज रूप में देखते हैं कि एक माता जी का हाथ सदैव आशीर्वाद के लिए तत्पर रहता है, इसी प्रकार जहाँ पर माता जी का वरद हस्त विराजमान है और सामने शंकर भगवान जी शिव रूप में विराजमान, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव सदैव विराजमान रहते हैं, परंतु शिव भी इन्हीं शक्ति बना अधूरे हैं, क्योंकि शिव में जो एकार है यही शक्ति स्वरूपा कुंडली है। यदि हम इस एकार को निकाल देते हैं तो शिव भी स्वयं शव रह जाते हैं, अर्थात हम ही भक्ति नहीं देवता भी शक्ति बना अधूरे हैं। और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है, चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता चरण में बैठे हुए हम सभी भक्त यहाँ तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे बिच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडा देविचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे सचिया ज्योता वाली माता तीर्थदा हिजन जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में संजोए माता जी प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्त उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता भेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से, अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। कट दी हमेशा ही जगा सच्चे चालीस लाख देवी है कई उनके हाथ में पता के भाग में हाजिर देंगे और उल्टा बोले
ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਤੁਈ ਲਿੱਤਾ ਅਵਤਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਈ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਸ ਦੇ ਦੁੱਖਰੇ 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 ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕੰਨ ਮੈਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਸ ਦੇ ਦੁੱਖਰੇ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਸ ਦੇ ਦੁੱਖਰੇ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਸ ਦਸ ਜਗ ਦੇ ਜਗਾਲਦਾ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਰ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਦਸ ਜਗ ਦੇ ਜਗਾਲਦਾ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਰ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਦਸ ਜਗ ਦੇ ਜਗਾਲਦਾ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਰ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਦਸ ਜਗ ਦੇ ਜਗਾਲਦਾ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਅਸੰਭਾਲ ਵੇਲ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਮਈਏ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਸ ਦੇ ਦੁੱਖਰੇ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਸ ਦੇ ਦੁੱਖਰੇ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਸ ਦੇ ਦੁੱਖਰੇ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਸ ਦੇ ਦੁੱਖਰੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕੰਨ ਮਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਸ ਦੇ ਦੁੱਖਰੇ 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 ਜਬ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੇ ਤੇ ਤੋ
चुप चुप नाम लेते थे जो पर्दा ठहरता बैठे तो होगा देखा जाएगा जो पर्दा ठहरता बैठे तो होगा देखा जाएगा लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा ये दिल चरणों में लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा ये दिल चरणों में लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा मैया तेरे प्रीत की खातिर समाना छोड़ आए हैं मैया तेरी प्रीत की खातिर समाना छोड़ आए दिल चरणों में लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा ये दिल चरणों में लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जिंदगी खाक हो जाए नहीं सका है अगम मुझको जिंदगी खाक हो जाए नहीं है सका है अगम मुझको जिंदगी खाक हो जाए नहीं सका है अगम मुझको कदम आके बड़ा बैठे जो होगा देखा जाएगा कदम आके बड़ा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा ये दिल चरणों में लगा बैठे जो होगा देखा दिल चरणों में लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या मतलब दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या मतलब दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या मतलब दीवाने बन गए मतलब शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन मैया से देखा जाएगा दिल चरणों में लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा सर की लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा बाजी सर की लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा ये दिल चरणों में लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा ये दिल चरणों में लगा बैठे देखा जाएगा दाद की जिद है के एक दिन तुम्हें पाकर ही छोड़ेंगे दाद की जिद है एक दिन तुम्हें पाकर ही छोड़ेंगे दाद की जिद है के एक दिन तुम्हें पाकर ही छोड़ेंगे दाद की जिद है के एक दिन तुम्हें पाकर ही छोड़ेंगे जो खुद को कर तबाह बैठे जो होगा देखा जाएगा जो खुद को कर तबाह बैठे जो होगा देखा
दिल चरणों में लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा ये दिल चरणों में लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा हाँ ये दिल चरणों में लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा ये दिल चरणों में लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा हाँ लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा 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 जयकारा श्रवण बोल सच्चे दरबार की जय अभी एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश जय कर श्री रमणी मैं तुमको भूलूं अब नहीं माना दास पर ऐसी कृपा करो मैं तुमको भूलूं अब नहीं माना दास पर ऐसी कृपा करो कलर हूँ दर्श
पर ऐसी कृपा करो। तुमको बोलो अब नहीं मात दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको बोलो अब नहीं मात दास पर ऐसी कृपा करो। चढ़ आया निमा, हो रही
जम्मू अगर राजा
जावे सिमरन चरण तेरा जानु जश गावे रखियो माने दी लाज मंदिर कर रहे हैं श्री मणिंदर जय करा दरबार की जय मुख दुनिया मोड़ेगी ताती है तू मुखड़ा ना मोड़
किए तुम खड़ा मुख दुनिया मोड़े तुम खड़ा मोड़े साडी लगी अपने तानू दातीए तू वेला तोड़ी 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 हाँ तेरी खातर तेरा पल्ला ओ तेरा पल्ला ओ तेरा पल्ला फड़ियानी तेरा पल्ला मंबे अपनी जकार न छोड़ी तेरा पल्ला फड़ियानी मंबे आज बेठकार न छोड़ी मुख दुनिया मोड़ेगी दातिये तू मुखड़ा ना मोड़े दुनिया मोड़ेगी दातिये तू मुखड़ा ना मोड़े ओ साडी लगियां परी तेरे दर ते ओ तेरे दर ते आईया नी तेरे दर ते आईया नी मांबे दर तो खाली ना मोड़ी तेरे दर ते आईया नी मांबे दर तो खाली ना मोड़ी मुख दुनिया मोड़े हाथ तेरे अगे हाथ तेरे अगे जोड़ा मां हाथ तेरे अगे मांबे दिल तो कदी न बिछोड़ी हाथ तेरे अगे जोड़ा मांबे दिल तो कदी न बिछोड़ी मुख दुनिया मोड़ेगी दातिये तू मुखड़ा ना मोड़ी मुख दुनिया मोड़ेगी दातिये तू मुखड़ा ना मोड़ी मुख दुनिया मोड़े ਸਾਡੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰੇ ਤਾਨੂੰ ਦਾਤੀਏ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਤੋੜੀ
के दरबार की जय। प्रातः स्मरामि शरदिन्दु करोज्जलाभा तद्रत्नमकर कुण्डलहार भूषा दिव्याजुधोर्जित सुनील सहस्रहस्ता रक्तोत्पलाभ चरणा भवती परेशा। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जय कर शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिकवाली शुभ संबत 2075 दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु श्रावण मास की आज 16 प्रविष्ट है। श्रावण कृष्ण पक्ष आय तिथि अतिथि है। तिथि आय प्रातः 8:44 तक है। अतः आज अंगार की गणेश चतुर्थी व्रत है। मंगलवार तदनुसार 31 जुलाई 2018 के दिन दुर्गा माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज मंगला गौरी एवं अंगार की गणेश चतुर्थी व्रत के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी का माता जी के इस दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव सौभाग्यवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरिभूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरी धर्म दलने व्यापार रक्षो भव श्री शंभुर्भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तु श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं भोग्यानलाभं शतवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, अब धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरे सदा ही जय कर शेर वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है। आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ का भी आरती है। सभी बोलेंगे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी जी को निश दिन ध्यावत गौरी आग सिंदूर विराज ती को मृग मद को मैया जी को मृग मद को उज्जवल से दो नैना समान कलेव रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंठन पर काजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राज खड़ग परधारी मैया खड़ग परधारी
परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, कल मेरे बोलो जय माता दी, आवे वेला जय माता दी, राधा वेला जय माता दी, आरती वेला जय माता दी, आप बोला दी कष्ट कटानी जय माता दी, तेरा कर दी जय माता दी, ढोलियां भर दी जय माता दी, भरे चढ़ाने जय माता दी, सोलाया ने जय माता दी, भर दी जय माता दी, वीर दी जय माता दी, लाल दी
ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੱਥੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੋੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਠੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਠੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੁਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਵਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਾਥ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਗ ਕਲਿਆਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਰਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੈਸ਼ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਈਆ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ अभी सभी भक्त दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम देही मे परमम सुखम देही मे परमम सुखम रूपम देही जयम देही रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही यशो देही दिशो जही सर्वमंगल मंगल्ये सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री प्रियारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्तजन बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना द्वितीय आद गणेश तृतीय सिमरा शारदा मेरे कार्य करो हमेश आनंद आनंद करो कल्याणी कल्याण बयात तहर तो सुख गरी जो चरना गागा
खड्गं चक्रगदेशुतापवज्रं चोलं वशुण्डिं चिरासङ्गं सन्दलिं तरेत्यनयनं सर्वाङ्गभूषाभिदां नीलाश्मकृतिवाक्यपादकशतां देवे महाकालिकां जामस्तौ सविदेहरो कमलजो हन्तं मधुकेतवम् अच्छादल्परिशं कलेशपुरुषं परमन्दनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिम्ब चर्मजलजं घण्टासुरावाजनम् शूलं पादुदर्शने सुदर्शे हस्ते पतन्नायनां सेवे लक्ष्मी सरोजस्तुतां घण्टाशूलमलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषाय गौरी देव समद्रवाङ्गजगता आधारभूतामा पूर्वा मत्सदस्वती मनुपदे शुम्भाभिजक्षामि त्वमेव मातला सविता त्वमेव मन्दोदरा त्वमेव विद्यानमनं त्वमेव सर्वं महादेव देव शान्ताकारं मजगदयं पद्मनाभं सुरेश विश्वादारं गगनचतुरं एकवर्णं शुभा लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुबन्धं वन्दे विष्णो भगवानं सर्वलोकैकनाथं केशवं रामनारायणं कृष्णनाम शरणं पादुकं गोपीनाथं कान्तिनायकं शिवार्थं हरे मुरारे 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 गोविन्द गोपाल भक्तं किशोरे शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमस्ते सत्या ज्योता बाली माता तेरी पंचफूला रानी माता तेरी सर्वदा बला कर्ण वाली माता तेरी सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी भुला चुका माफ करने वाली माता तेरी गम करा भी सागर तेरी बोला सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का रानियों में रानियों में रानियों में विश्व का विश्व का भारत वर्ष भारत वर्ष हर हर महादेव सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय हरे देवी नारायण
आशीर्वाद जो जोर से भक्ति जो जोर से नमस्कते नमस्कते नमस्कते।